कहानी की शुरुआत चार्ली नाम के शख्स से होती है जो ऑफिस वर्कर था। वह अकेले ऑफिस में नाइट ड्यूटी करता है। चार्ली के हाव भाव से साफ पता चला वह अपनी नौकरी से खुश नहीं था। वो प्रिंटर के बटन पर जोर जोर से हाथ मारते दिखाई देता है, फिर वो अपने पैर प्रिंटर पर जोर से मारता है और प्रिंटर अच्छे से काम करना शुरू कर देता है और उसमें से एक पेपर प्रिंट होकर बाहर आता है। चार्ली उस प्रिंट आउट को देखकर काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ प्रिंट होने के लिए नहीं दिया था। उस पेपर में ब्लैक सर्कल प्रिंट होता है जो कि उसने ऐसा कुछ प्रिंट होने के लिए नहीं दिया था। वह प्रिंटिंग मशीन को चेक करता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग मशीन एकदम सही होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होता है। वो कॉफ़ी का कप पीकर उस पेपर के ऊपर रखता है, लेकिन पेपर से होते हुए वो कप मशीन के अंदर चला जाता है। चार्ली पेपर के अंदर हाथ डालकर उस कप को बाहर निकालता है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होता है। फिर वो उस पेपर को उठाता है और उस पेपर के अंदर हाथ डालता है जैसे उसने पिछली बार उसके अंदर डाला था। उसका हाथ ब्लैक होल के अंदर पूरा चला जाता है। वह अपनी इन्वेंशन से फ़ायदा लेना चाहता है और वह वेंडिंग मशीन के सामने पेपर को लगाकर अपना हाथ अंदर डालता है और कुछ चॉकलेट बाहर निकाल कर खाने लगता है। मतलब जो पेपर के ऊपर ब्लैक पार्ट था वह एक तरह का ब्लैक होल था। अब चार्ली इधर उधर देखता है कि अब इस इन्वेंशन से कुछ फ़ायदा लिया जाए, तो उसकी नज़र सीधा लॉकर रूम पर जाती है। वो ब्लैक होल की मदद से लॉकर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और तिजोरी के ऊपर उस प्रिंटेड पेपर को चिपका देता है और तिजोरी के अंदर हाथ डालकर पैसे निकालने शुरू कर देता है। काफ़ी पैसे निकालने के बाद उसका हाथ तिजोरी के अंदर पूरा नहीं जाता है, इसलिए वो कुछ भी बिना सोचे समझे उस पैसे को निकालने के लिए तिजोरी के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही पेपर नीचे गिर जाता है और वो हमेशा के लिए अंदर तिजोरी में बंद हो जाता है।